ये देखिए दीदी ने काफी हरी मिर्च और थोड़ी मेरी टोकरी दोनों आ गई हैं, अब मैं जा रहा हूँ। गाइस ये हमारी आज की हार्वेस्टिंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ इंडिया में अपनी सिस्टर के घर पे। तो इनके घर पे आए थे तो सुबह नाश्ता वगैरह किया है, इससे बोले चलो चलते हैं खेतों में। कुछ इन्होंने फसल वगैरह कुछ लगा सकी है, कुछ हार्वेस्टिंग की है, भिंडी करेले अपनी घर की सब्जी। तो आइए चलते हैं देखते हैं कैसी है। बट उससे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए हमें सब्र बेतबरी से इंतज़ार रहता है कि आप करें और हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें। तो ये मेरी टोकरी दोनों आ गई हैं, अब मैं जा रहा हूँ खेतों में, देखता हूँ क्या क्या लगा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस साइड पे ये आई थिंक कुछ कद्दू की फसल लगा रखी है, और सिस्टर ने मेरे आने से पहले ही कुछ यहाँ पे तोड़ के रख ली है भिंडी, जिनको मैं भी अपनी बास्केट में डालता हूँ। देखिए कितनी अच्छी घर की बिना किसी क्या बोलते हैं जो केमिकल्स वगैरह बिना किसी पेस्टिसाइड्स के बिना अच्छी भिंडी घर की फ्रेश। और ये इसको हम बोलते हैं काली तोरी बोलते हैं, बाकी आपके लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसको क्या बोलते हैं। और ये हरी मिर्चें भी कुछ दो तरह की वैरायटी हरी मिर्चों की मैं इसको देखने को मिल रही है, एक तो ये कुछ लंबी वाली है ये, और एक इसमें स्मॉल साइज़ की कुछ ऐसे इस तरह। तो ये हरी मिर्च इसमें से ख़राब भी है, और एक और वैरायटी है कुछ डार्क ग्रीन तरह की। साइड पे आप ये देखें दीदी इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है ये वाला? ये बीन्स फली है। हाँ बीन्स, ओके। ये जो फली हाँ जिसको हम बोलते हैं और बीन्स बोलते हैं ये वो है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें आई थिंक कोई एकादी लगी भी होगी इसमें या नहीं, अभी तक कोई दिख तो रही नहीं है कुछ ऐसा। तो अभी इसमें लगेंगी बीन्स आने वाले टाइम में, फ्लावर्स आई थिंक लगने शुरू हो चुके हैं इसको। और ये क्या ये साइड पे ये करेले का आई थिंक करेला है ना, ये कुछ लगा करेला वगैरह इसमें भी? ये लीजिए मेरी बास्केट इसमें डाल दीजिए, अभी इसको तोड़ना ही नहीं तोड़ना है। देखिए साइज है, रखिए ये लगा करेला छोटू सा ऐसे बट बन चुका है, क्योंकि इसको बिना हमने कुछ दवाई डाले तो इसलिए ये इसी साइज का ही रहेगा। अगर इसको हम कुछ दवाई वगैरह डालेंगे तो फिर ये बड़ा होगा, अदरवाइज नहीं। और इसके फ्लावर्स लगे हुए इधर करेला के, हटा हटा के इसको ढूंढने पड़ते हैं किधर लगा है भाई करेला। आई थिंक एक छोटा सा एक है वो खराब ही लग रहा है, ये नीचे दो है इधर पीले भी हो गए, एक तो नीचे पीला भी हुआ है, एक और था नीचे वो थोड़ा पीला हुआ है, ये इधर है इधर इनका पता नहीं चलता ना, नीचे चले जाते हैं ऐसे ढूंढने पड़ते हैं बस ये करेलों को। हाँ ये एक छोटा सा मिला एक, तो ये आई थिंक ये भरके तो नहीं बना पाएंगे इसको, कटिंग करके बना सब्जी के जैसे बनाना पड़ेगा इसको, देख सकते हैं। एक और मिल गया ये जमीन, अरे वाह ये थोड़ा अच्छा है, इसके अंदर छिप जाते हैं जैसे हमें पता नहीं चलता इनका। तो ये मेरे सिस्टर है, इनके पास मैं आया हुआ था तो बोलते आज आपको अपने खेतों की सब्जियां दिखाते हैं। लग जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। कुछ एक पीला भी हो चुका आई थिंक, पक गया ये लग रहा है। वो नीचे चला गया ना तो इसलिए पता नहीं चला उसका, ये फेंक दिया जी वेस्ट में। ये एक और मिल गया है, तो थोड़ा सा उसको छांटी मारनी पड़ती है हटा हटा के। उसके पास एक और है, एक और देखा मैंने यहीं पे इधर ये एक और पे। ऐसे बहुत निकलेंगे लेकिन इसको थोड़ा देखना पड़ता है, काफी दिन से मैंने ऐसे देखा ही नहीं। तो ये ऐसे ही पड़े, थोड़ी सफाई भी होने वाली है इसमें क्योंकि बरसात का महीना है, तो काफी ये घास वगैरह काफी लगता है इसके अंदर, तो साथ साथ में सफाई भी करनी पड़ती है। और ये छोटे लग रहे हैं, ये आप इस तरफ जो देख रहे हैं ये बैंगन के, ये सामने जो देख रहे हैं ये बैंगन का सब मैंने तोड़ लिए काफी लगे। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे बैंगन एग प्लांट, इसमें भी फूल लगे हुए हैं और कुछ लग भी गया आई थिंक, देखिए ये नीचे वाइट कलर का ये लगा हुआ एक, और इसमें ये ब्लैक है, ये ब्लैक वाला भी थोड़ा सा दिखाएंगे ऊपर करके इसको। ये लग रहे हैं ब्लैक, ये देखो ऐसे तोड़े मैंने काफी, बाकी ये फ्लावर्स लगे हुए तो बन रहे भी आस्ते आस्ते। नेक्स्ट अभी आपको दिखाते हैं ये हमारी हरी मिर्ची, देखिए ये कुछ इस तरह की मिर्ची है, ये बस यही साइज की रहेगी, इसका साइज ही इतना ही है। हाँ। तो अलग अलग तरह की मिर्ची दीदी ने सब अलग अलग तरह यहाँ पे लगाई हुई है, आप देख सकते हैं इधर भी मिर्ची है, वो भी मिर्ची है। हाँ ये कुछ अलग तरह की मिर्ची है इधर, ये देखिए ये अलग तरह की मिर्ची है,
अब इसके नाम तो मुझे पता नहीं क्या है, बट हमने हार्वेस्टिंग ये की हुई है, शिमला की तरफ ये लगाई हुई है। और इसके अलावा एक बोल रहे सिक्किम की उधर मिर्ची आप दिखा रहे, कौन सी थी वो? अभी उसको मिर्ची नहीं लगी लेकिन लगेगी असम की, असम की सॉरी। तो असम के ये मिर्ची है, ये वाली और वो वाली जो दिख रहे हैं, और ये वाली और एक ये एक ये भी, हाँ ये भी मिर्ची और लंबी वाली, ये भी मिर्ची की एक और एक नसल है, इसमें भी पतली पतली लगी हुई है। तो ये हमारी अभी नेक्स्ट लेडी फिंगर भिंडी, तो भिंडी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है, इसका फ्लावर है। तो भिंडियाँ अभी लग रही है, काफ़ी सीजन है भिंडी का। तो ये खुद की जो घर की भिंडी खाने का मज़ा है ना, आई थिंक वो जो बाज़ार से हम लेते हैं उसमें नहीं है। जो ये घर की भिंडी है जब आप इसको बनाओगे तो वेरी डिलीशियस, बड़े अच्छी तरह की बनती है। देखिए इसमें भी भिंडियाँ जो लग रही है, फ्लावर लगे हुए हैं अभी, ये पूरी भिंडी की भिंडी, इस तरफ पर दीदी ने भिंडी की खेती लगाई हुई है, आप देख सकते हैं ये पूरी भिंडी है। तो ये आप देख सकते हैं, हम इसको काली तोरी बोलते हैं, कोई इसको काली तोमर बोलते हैं, अलग अलग तरह आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप इसको कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये कौन सी तोरी है। और ये इसके फ्लावर्स में तोरी नो 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 इधर लगी हुई है, लैंग्वेज में आप इसको क्या बोलते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये भी काफी अच्छी बनने में बहुत अच्छी बनती है अगर खुद घर की हो तो। छोटी-छोटी हैं। ये देखिए दीदी ने काफी हरी मिर्च और तोड़ ली है, तो ऐसे आकर डेली इसको चेक करना पड़ता है, डेली कौन सी चीज बड़ी हुई है कौन सी छोटी, फिर इसको पानी भी लगाना पड़ता है। ये पानी की पाइप आप देख सकते हैं डाली हुई है। तो ये दीदी का सामने घर, इधर से पानी इधर छोड़ते और पानी लगाते हैं, इनका साथ में इनका क्या बोल छोटा सा खेत और प्लॉट इसको बोल सकते हैं, उसमें सब्जी लगी। ये किस चीज की, ये भी कद्दू है ना? कद्दू। ये हमारी आज की हार्वेस्टिंग, जो काली तोरी भिंडी करेला हरी मिर्ची ये सब अभी हमने तोड़ी है घर की, और अभी इसको खाएंगे देखेंगे क्या स्वाद है। बाकी आपको कैसे लगी लाइक्स और कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग्स आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।